तो गुड इवनिंग सभी का। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आपके बीएमसी के क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में कर दिए थे, आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्ट ऑन अ स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर्स इज। ठीक है, टेस्ट के बारे में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट टेस्ट जो कि किस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना है इस टेस्ट का, इसका यूज़ चाहिए आपको, इस स्टोन को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, डॉक्स एंड हार्बर्स के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ वहाँ मतलब जहाँ हमें पत्थर प्रयोग करना है डॉक्स एंड हार्बर्स में, मतलब गोदी और बंदरगाह लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट की करना चाहिए, तो बताओ ज़रा कौन सा टेस्ट हमें करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, गुड इवनिंग फर्स्ट का सी, ठीक है रमेश दुबड़िया, ठीक है आपका आंसर सही है। इसमें जो हम टेस्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, स्टोन का टेस्ट पूछा गया है और हमें क्या बनाना है, डॉक्स एंड हर्बर्स बनाने। तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं आपका वेट टेस्ट। ठीक है, डॉक्स एंड हर्बर्स क्या होते हैं, ये वाटर का हम एक एरिया लेते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं उनको वाटर में क्या कैसा एरिया होता है, ये इनक्लोज एरिया जिसमें हमें क्या करना होता है, सिप को, सिप की लोडिंग करते हैं या फिर अनलोडिंग करते हैं या फिर उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो एक सिप के लिए एक शेल्टर है ये, तो उसी को हम डॉक्स एंड हर्बर्स बोलते हैं। आपको पता है कि सिप का वेट जो होता है, हम वेट के हिसाब से वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे, तो हम कौन सा टेस्ट को कंसिडर करेंगे, वेट टेस्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम जो इसके बारे में बता रही हूँ मैं, डॉक्स एंड हर्बर्स। ठीक है, एक वाटर का इनक्लोज्ड एरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिप्स की लोडिंग करते हैं, लोडिंग बोलोगे या फिर अनलोडिंग, सिप की लोडिंग अनलोडिंग की जाती है या फिर सिप में जो भी मेंटेनेंस का काम होगा, ठीक है हम वही करते हैं, उसी को हम डॉक्स एंड हर्बर्स बोलते हैं। उसके लिए हम वेट टेस्ट करते हैं। वेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टोन की बल्क डेंसिटी का पता करते हैं, तो बल्क डेंसिटी मेजर की जाती है। ठीक है, किसमें, वेट टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे बल्क डेंसिटी निकालते हैं स्टोन की, कहाँ कैसे निकालोगे, मास अपॉन वॉल्यूम से। ठीक है, वहीं से हम क्या करते हैं, इसका वेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा स्टोन ऐसा है जो कि क्या अपने आयतन से अधिक पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, कौन सा स्टोन है जो कि क्या करते हैं, अपने वॉल्यूम से भी अधिक पानी को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सेल, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर क्वार्ट्जाइट, तो कौन सा स्टोन होगा, दूसरे का बी रमेश, दूसरे का ए। ठीक है, तो रमेश का आंसर सही है। मैंने ये पहले भी बताया था जब मैंने बात की थी कौन सा ऐसा स्टोन है जो कि क्या करता है, बहुत लेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि कौन सा ऐसा स्टोन है जो कि बहुत अधिक पानी को अवशोषित करता है, तो वो कौन सा है, सेल है। ठीक है, और सेल एक कैसी रॉक है, सेल को अगर मैं देखूँ तो ये तुम्हारी सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, और जो सबसे कम वाटर को एब्जॉर्ब करती थी उसका नाम क्या था, स्लेट था, स्लेट। और स्लेट कैसी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। और जो स्लेट बनता है ना, ये सेल से ही बनता है, स्लेट जो चेंज हुआ है वो सेल से ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो सेल क्या है, बहुत अधिक पानी को अवशोषित करती है, और जो आपकी स्लेट है वो बहुत कम पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइनाइट इज। ठीक है, तो बताओ जरा साइनाइट इज, साइनाइट क्या है, एसिड रॉक है, हाइपोबेसाल रॉक है या फिर बेसिक या फिर डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। तो साइनाइट ऑप्शन से पता चल रहा है क्या, एक ये रॉक है। ठीक है, तो कौन सी रॉक है, की अब रॉक के टाइप पूछ रहा है कि ये कौन सी रॉक है, तो बताओ कौन सी रॉक है आपकी, साइनाइट कौन सी रॉक होगी, आंसर दीजिए, साइनाइट आपकी कौन सी रॉक है। तीसरे का सी,
क्या वो पहले सी आंसर दे रहे उसका डी? चलो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो आपका डी है, ठीक है। जो साइनाइट है ये आपकी डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक हमने किसके अंदर पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने इग्नियस के अंदर, ठीक है, इग्नियस रॉक के अंदर। जो सबसे कैसी रॉक होती है? लिखा भी है डीप सीटेड, मतलब जो बहुत गहराई में होती है, ठीक है, अधिक गहराई में जो रॉक पाई जाती है उसको हम क्या, उसका नाम है साइनाइट, अधिक गहराई में मिलती है हमें, ठीक है। साइनाइट, इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी कैसी रॉक है? डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। नहीं, बी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी है, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है ये आपकी। जो हाइपोबेसाल रॉक है ये भी इग्नियस रॉक का ही एक टाइप है, ठीक है। हाइपोबेसाल, इसमें आपकी कौन सी रॉक आती है? जैसे कि डोलेराइट, ठीक है, डोलेराइट है इसका एग्जाम्पल। जो एसिड रॉक है और बेसिक रॉक है, ये रॉक के टाइप्स है। इस एसिड रॉक और बेसिक रॉक यहाँ पे देखती हूँ, हमने क्या इग्नियस रॉक को ही किसके आधार पे? सिलिका के आधार पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं बेस्ड ऑन सिलिका, बेस्ड ऑन सिलिका के आधार पे ही हमने रॉक को डिवाइड किया था। सिलिका किसमें प्रेजेंट है? इग्नियस वाली जो रॉक होंगी उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। तो वहीं पर हमने पढ़ी थी, ये एक होती है आपकी एसिड रॉक, ठीक है, दूसरी होती है आपकी बेसिक रॉक और तीसरी आपकी अल्ट्रा बेसिक, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक रॉक। एसिड रॉक हम किसे बोलेंगे? जिसमें जो सिलिका की मात्रा है वो आपकी होती है ग्रेटर देन 60%, ठीक है। इसमें आपकी सिलिका की मात्रा, सिलिका को कंपेयर कर रही हूं तो मैं यहां पे सिलिका का ही परसेंटेज लिख रही हूं, ठीक है। इसमें जो सिलिका की क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कोई बात नहीं, अभी रॉन्ग हो रहे तो चलता है, बस एग्जाम में रॉन्ग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिलिका की मात्रा कितनी होती है आपकी? 60% से अधिक होती है, उसे हम बोलते हैं एसिड रॉक। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो लिख रही हूँ मैं, जैसे ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट आपकी एक कैसी रॉक है? एक एसिड रॉक भी है। दूसरा मैं लिखती हूँ किसके बारे में? बेसिक रॉक। बेसिक रॉक मैं उसे कब बोलूंगी? जब उसमें सिलिका का परसेंटेज कितना होता है? 15 से 60% होता है, ठीक है। तो मैं इसे क्या बोलती हूँ? बेसिक रॉक बोलती हूँ। और इसका एग्जाम्पल आपका बेसाल्ट, ठीक है। अगला आपका ये अल्ट्रा बेसिक। अल्ट्रा बेसिक मैं तब बोलूंगी जब उसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है आपकी? लेस देन 15% होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका गैब्रो। गैब्रो ये आपकी कैसी रॉक है? एक अल्ट्रा बेसिक रॉक है, ठीक है। तो चलो साइनाइट आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। अगर कहीं पे ऑप्शन में अगर इग्नियस रॉक भी होता तो ये इग्नियस रॉक भी है, ठीक है। मतलब इग्नियस रॉक के ही टाइप्स है वो डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है जो। चलो चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवनली इन, ठीक है। हमें क्या करनी है? जो क्या है? क्ले है, मतलब जो क्ले ब्रिक है उसके लिए हम स्पेशल शेप एंड डाइमेंशंस कौन से आईएस कोड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? शेप ऑफ क्ले। आईएस कोड बताओ किसका बताना है हमें? शेप ऑफ क्ले ब्रिक का, ठीक है, या डायमेंशन का। हमें ब्रिक का क्या चाहिए? शेप चाहिए और उसकी डायमेंशन चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा आईएस कोड को पढ़ते हैं? फोर्थ का बी। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, रमेश दुबड़िया, आपका आंसर सही है। हम क्या शेप ऑफ ब्रिक या फिर डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं? आईएस 6165 एंड 1971 के अंदर, ठीक है। अगले आपका, अगर इस वाली आईएस कोड की बात करूं तो इसमें पढ़ती हूं मैं क्या? पीवीसी या फिर एस्बेस्टस टाइल, ठीक है, फ्लोर टाइल लिखूंगी, एस्बेस्टस फ्लोर टाइल के बारे में, ठीक है। पीवीसी एस्बेस्टस फ्लोर टाइल के बारे में पढ़ूंगी मैं आईएस 3461966 के अंदर। ब्लर हो रहा है? अच्छा, थोड़ी देर पहले हुआ होगा, अब साइड से सही आ रही है स्क्रीन, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन सही आ रही है, वो कभी कभी थोड़ा कैमरा से हट जाओ ना तो होता है वो। चलो पांचवा देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक सोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही है,
आपने बताना है कि ये कौन सी पिक्चर है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, कैंट, क्वीन क्लोजर, ये किंग क्लोजर है, ठीक है? किंड नहीं है, ये किंग है, किंग क्लोजर या फिर बुल नोज। तो बताओ जरा, ये जो पिक्चर है ये आपकी किस चीज की है, कौन सी पिक्चर है? ठीक है रमेश, ठीक है आपका आंसर 5 का है, ये ए, जो ये आपको पिक्चर शो हो रही है ये आपकी क्या है, कैंट है, ठीक है? कैंट, ये जो कैंट है इसका यूज हम करते हैं कहाँ, डोर एंड विंडो के जैम में, डोर एंड विंडो के जैम में, ठीक है? इसका यूज करते हैं हम किसका, कैंट का। और ये कैंट होती है, ये आपकी सिंगल कैंट भी होती है और डबल कैंट भी होती है, सिंगल कैंट या फिर डबल कैंट, ठीक है? ये दो टाइप से होती हैं। इस टाइप पे सिर्फ यहां से ही मैंने इसको काटा, अगर मैं इसको यहां से भी काटती हूँ तो मैं इसे क्या बोलती हूँ, डबल कैंट, ठीक है? अभी एक साइड से कटा हुआ इसलिए इसका नाम सिंगल कैंट होगा, अगर मैं इसको इस साइड से भी काटूंगी तो मैं इसको बोलती हूँ डबल कैंट, ठीक है? क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर आपको पता है, अगर हम विड्थ को, अगर हम ब्रिक को क्या करते हैं, विड्थ में काटते हैं, ठीक है? अगर मैं ब्रिक को विड्थ में उसके दो भाग करती हूँ तो उस एक भाग को मैं क्या बोलती हूँ, क्वीन क्लोजर बोलती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ हाफ ऑफ विड्थ ऑफ ब्रिक, ठीक है? अगर मैं ब्रिक को क्या करूं, विड्थ में हाफ कर दूं तो उसे मैं क्या बोलती हूँ, क्वीन क्लोजर बोलती हूँ, ठीक है? किंग क्लोजर, अगर मैं ब्रिक को क्या करूं, एक चौड़ाई में आधा काट दूं, ठीक है? ब्रिक को मैं अगर एक चौड़ाई में उसकी आधा काट दूं एक कोने से और दूसरा कोना जो उसका क्या हो, लेंथ का पूरा हो, तो इसे मैं क्या बोलती हूँ, किंग क्लोजर बोलती हूँ, ठीक है? बुल नोज होती है आपकी, ये इसका जो एक सिरा होता है वो ऐसा कुछ चपटा सा होता है, ठीक है? इसे मैं क्या कहती हूँ, बुल नोज। इसका जो हम यूज करते हैं कहाँ करते हैं, आर्चेस में करते हैं, ठीक है? बुल नोज का यूज, हाफ विड्थ, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपका 6, इसे देखते हैं। 6 है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। चलो इसका आंसर तो सभी दे ही दोगे। ब्रिक का आपका क्या पूछा है, मॉड्यूलर साइज पूछा है कि ब्रिक का मॉड्यूलर साइज कितना होता है, तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, 6 का आंसर, ठीक है? 6 का आंसर बताइए, 6 का सी, ठीक है। तो ये आंसर सबको आना ही चाहिए, जो इसका मॉड्यूलर साइज होता है ब्रिक का कितना होता है, 19x9x9 सेंटीमीटर, ठीक है? ये था आपका मॉड्यूलर साइज। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉमिनल साइज की, नॉमिनल साइज, एक आया आपका नॉमिनल साइज, दूसरा आपका क्या, क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, परंपरागत, क्या बोलते हैं उसको, पारंपरिक, ठीक है? मुझे उसका इंग्लिश में नाम क्या था, मैं भूल गई हूँ, ट्रेडिशनल, ठीक है, 20x10x10, ठीक है, मैं इसका नाम इंग्लिश में भूल गई, ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल साइज। एक पढ़ते हम कौन सा साइज, नॉमिनल साइज, दूसरा पढ़ते हम ट्रेडिशनल। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें क्या 19, ये आपका मॉड्यूलर साइज है, अगर हम इसमें क्या चलते हैं, एक सेंटीमीटर थिकनेस लेके चलते हैं किसकी, मोटार की, ठीक है? तो एक सेंटीमीटर थिकनेस मोटार की ऐड करेंगे तो 20x10x10 सेंटीमीटर होता है आपका, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल साइज की, तो ट्रेडिशनल साइज जो है वो कितना होता है आपका ब्रिक का, जो कि एक्चुअल में ब्रिक उसी लेंथ और विड्थ की बनती है, ठीक है? तो वो रहता है आपका 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच, ठीक है? ये आपका ट्रेडिशनल साइज, अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता है ना एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां। अगला आपका, ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन मोर्टार इन एनी ब्रिक वर्क इज कॉल्ड अ, ठीक है? क्या बोला गया है, ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक, हर एक हॉरिजॉन्टल लेयर की बात की गई है, ब्रिक की कैसी
हॉरिजॉन्टल लेयर है, ठीक है, मतलब ब्रिक की प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लेयर जो कि किसके ऊपर है, ब्रिक्स लेड इन मोर्टार इन एनी ब्रिक वर्क, किसी भी जो क्या होगा ईंट का काम होगा उसमें जो हॉरिजॉन्टल लेयर है ब्रिक की उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस हॉरिजॉन्टल से मैं ब्रिक बनाना स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक लेयर के बाद दूसरी लेयर आ रही है, ठीक है। तो उसने इस एक ईच लेयर का, इसी एक ईच लेयर का नाम पूछा है कि इस लेयर को मैं क्या नाम देती हूँ। सेवन का डी नहीं, तुम ये डायग्राम देख के बोल रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है तो डी नहीं है, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ ये एक ईच लेयर, ये पर लेयर की बात कर रहा है, ठीक है। मैं इसको ये वाला भी बना सकती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये डायग्राम मैंने बताया लेयर को समझाने के लिए कि इस एक ईच लेयर की, मतलब प्रत्येक लेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कोर्स, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ना इसको वन कोर्स, हम कहते हैं कि एक कोर्स है इसमें, कि एक कोर्स स्ट्रक्चर का है, फिर दूसरा कोर्स हेडर का है, फिर से तीसरा कोर्स आपका स्ट्रक्चर का है। तो इस एक लेयर को मैं क्या कह रही हूँ, कोर्स कह रही हूँ, ठीक है। तो उसी के बारे में पूछा गया था कि क्या ईच हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक कि उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कोर्स बोलते हैं, ठीक है। कोर्स रद्दा रद्दा है ये, ठीक है, हिंदी में रद्दा बोलते हैं इसे। यहाँ पे लिखा है अराइसिस, तो अराइसिस जो ब्रिक होती है, ब्रिक में जो एजेस होते हैं ना, एच को ही हम दूसरा नाम है उसका अराइसिस, ठीक है। ब्रिक कुछ इस तरीके से, तो ये इस एक एच को इसे क्या बोल रहे हैं, हम अराइसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको एज भी बोलते हैं और अराइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। हेडर आपको पता है, अगर मुझे ब्रिक का कौन सा वाला पोर्शन दिखता है, विड्थ वाला पोर्शन जिसमें कि डायमेंशन होती है आपकी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे मैं क्या बोलती हूँ, आपका हेडर बोलती हूँ। और अगर मुझे ब्रिक का कौन सा वाला पोर्शन दिखता है, लेंथ वाला जिसमें जो ब्रिक की डायमेंशन होती है वो होती है आपकी 20 सेंटीमीटर, इसे मैं क्या बोलती हूँ, स्ट्रक्चर बोलती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आपको बताऊँगी। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि इन क्लैम बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक्स आर टू बी लेड, ठीक है। क्लैम्प बर्निंग की बात हो रही है, ठीक है, कि क्लैम्प बर्निंग में जो ब्रिक का एंगल होता है, मतलब ब्रिक को हम जिस एंगल में बिछाते हैं ना, उस एंगल के बारे में पूछा गया कि विच एंगल ब्रिक्स आर टू बी लेड। क्लैम्प बर्निंग ब्रिक को क्या है, ये बर्निंग की प्रोसेस है, ठीक है। तो हम भट्टियों में लेके जाते हैं ना, तो ये एक भट्टी है, जो क्लैम्प है ना ये एक भट्टी है, ठीक है, किल्न बोलते हैं ना, तो उसमें से ही है एक ये क्लैम्प, या इसका जो दूसरा नाम है वो होता है आपका पजावा, पजावा। इसी में क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, ठीक है। हम इसमें जो ब्रिक रखते हैं ना, वो किसी एंगल में ऐसे रखते हैं, ठीक है, कि मैंने एक ब्रिक की लेयर कुछ इस तरीके से रखी है, फिर दूसरी इस तरीके से रखी है, अब ये सीधी नहीं बन रही है लाइन, ठीक है। तो वो इसी एंगल के बारे में पूछा कि हॉरिजॉन्टल से कितने के एंगल पे हम ब्रिक को बिछाते हैं, तो 8वें का बी, ठीक है। रमेश खुश सिया, ठीक है, आपका आंसर सही है, 15 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ब्रिक का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो कितना होता है आपका, 15 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है। जो क्लैम्प और पजावा होता है, ये आपका कैसी भट्टी होती है, एक टेम्पररी होती है, परमानेंट होती है, तो इस भट्टी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी किल्न, ठीक है, या आपकी टेम्पररी भट्टी होती है, क्योंकि हम बारिश के टाइम पर इस भट्टी में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें हमें जो ब्रिक मिलती है वो कितनी मिलती है, 25,000 ब्रिक मिलेंगी, और कब मिलेंगी, 4 महीने में, ठीक है। 4 महीने में मुझे क्या मिलेंगी, 25,000 ब्रिक मिलती है, क्योंकि क्या करेंगे इसमें एक टाइम पे 2 महीने में वो ब्रिक क्या करती हैं, जलती हैं, फिर 2 महीने बाद वो ठंडी होती हैं, तो फिर 4 महीने में हमें 25,000 ब्रिक मिलती हैं, ठीक है। ऊपर से फिर इसमें हम फ्यूल के तौर पे किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, या फिर काउडंग गाय का गोबर, ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या आग पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, तो नो कंट्रोल इन फायर, फायर पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इतनी अच्छी प्रोसेस नहीं होती है ईंट को जलाने की, मतलब ईंट को पकाने की। चलो अगला 9 इसे देखते हैं, द ब्रिक्स यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस आर, कि कौन सी ब्रिक का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, जो भट्टियाँ होती है, भट्टियों के अस्तर में हम कौन सी ब्रिक का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, ब्रिक का यूज कर रहे हैं कहाँ, लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, फर्नेसेस मतलब होता है भट्टी, और लाइनिंग अस्तर, भट्टियों पर हमें क्या करना है, अस्तर लगाना है। किल्न वाले में कितना टाइम लगता है, किल्न तो भट्टी है, ठीक है, किल्न को भट्टी बोलते हैं, और वो जो ब्रिक को पकाने का जो हम किल्न यूज करते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से करते हैं, उसी में से एक यहाँ पे आ रखा था आपका क्लैंप या पजावा, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि 4 महीने में हमें ईंट पक्के मिलती है पूरी तरीके से, मतलब 2 महीने पकने में लगे, फिर 2 महीने ठंडे में, अब गरम गरम ईंट को थोड़ा लेके जाएंगे, तो पूरे 4 महीने में मुझे 25,000 ईंटें मिल रही हैं, ठीक है। ऐसी और भी भट्टियां हैं, चलो इसको बताओ फिर, इसका आंसर क्या है, 9 का D, ठीक है, सभी डी दे रहे हैं, तो आंसर आपका सही है, कौन सा होता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, भट्टियों की लाइनिंग में, भट्टियों के अस्तर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है, ये आपकी बनती है किससे, फायर क्ले से, ठीक है, नाम है उस मिट्टी का जिससे कि ये बनती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ठीक है, तो फायर क्ले से ये बनता है। क्लैंप तो एक ही होता है, इसमें एक टेम्पररी भट्टी होती है, एक आपकी परमानेंट होती है, तो मैंने सिर्फ अभी आपको टेम्पररी बताया था, ठीक है, परमानेंट में भी 3 टाइप्स के होते हैं, तो भट्टी का चैप्टर है वो अलग से ही है, तो मैंने बस अभी एक रफली बताया था, ठीक है। तो क्या इसका आंसर डी है, और इसके लिए जो यूज़ करते हैं ब्रिक का, वो है आपकी, मतलब जो क्ले का, उसे बोलते हैं हम फायर क्ले। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक, ओवरबर्नड और अंडरबर्नड, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कहाँ पे, टाइप्स ऑफ ब्रिक में, ये तीनों हमने कहाँ पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ब्रिक में पढ़े थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिक, ठीक है, जब ब्रिक के टाइप पढ़े थे तो उसमें था हमारा एक फर्स्ट क्लास, फिर ओवरबर्नड या अंडरबर्नड, ठीक है, और एक चौथा था, इसमें एक चौथा नंबर का था जिसे हम क्या बोलते थे, झामा, ठीक है, झामा, झामा ब्रिक, हम इसको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ होती थी आपकी कौन सी, झामा ब्रिक, उसी को हम ओवरबर्नड बोलते थे, ठीक है, जो झामा ब्रिक है उसी को बोलते थे। अंडरबर्नड मतलब होती है अंडर आपकी सेकंड क्लास की होती है, सेकंड ही थर्ड क्लास की होती है, ठीक है, अंडरबर्नड ये आपकी थर्ड क्लास की होती है। जो टाइप्स ऑफ ब्रिक पढ़े थे उसमें पढ़े थे हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास और फोर्थ थी आपकी झामा ब्रिक, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो चलो 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट एट व्हाट टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रोन इनटू द किल्न, ठीक है, हमें क्या करना है ग्लेजिंग क्ले के लिए कि कौन से टेम्परेचर पे, ग्लेजिंग क्ले के लिए कि हमें कौन से टेम्परेचर पे जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, नमक बोलते हैं हम, उसको हम भट्टी में कि कौन से टेम्परेचर पे फेंकते हैं, कौन से टेम्परेचर पे हम भट्टी को, भट्टी में जो सोडियम क्लोराइड को डालते हैं, तो बताओ जरा कौन से टेम्परेचर में डालेंगे, कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम पे, 10 का C, ठीक है, रमेश, सिया, खुश, 3 ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हो, चलो इसका सही आंसर आपका कितना, 1000 से 1300 डिग्री सेल्सियस पे ही हम क्या करते हैं जो सोडियम क्लोराइड है आपका, ठीक है, NaCl2, उसे कहाँ डालेंगे हम, भट्टी में डालते हैं, भट्टी में डालने से जो क्ले होगी उस पर आपको कैसी क्ले नज़र आएगी, ग्लेजिंग क्ले, ठीक है, आपको कांचित क्ले नज़र आती है, कांचित क्ले, ठीक है। तो एक परत सी चढ़ जाती है उसमें, ठीक है, वो ग्लेजिंग, ग्लेजिंग की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। अगला आपका 11, इसे करो, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स विच मोल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिसाइज्ड, ठीक है, हम क्या करते हैं जब ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में एक स्टेज आता है आपका किसका, मोल्डिंग का, ठीक है, मोल्डिंग का स्टेज आता है कि मोल्डिंग में हमें किसको क्या करते हैं, ढलाई में सही नहीं मानते, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ढलाई कुशल नहीं है, तो कौन सी जो एक ढलाई है उसे हम, उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, 11 का C, ठीक है, कौन सी आपकी, ऑटोमेटिक मोल्डिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक मोल्डिंग का प्रयोग हम ढलाई में नहीं करते, बाकी आपकी ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग, ठीक है, ये दोनों हम पढ़ते हैं किसके अंदर, हैंड मोल्डिंग के अंदर,
हैंड मोल्डिंग, ठीक है, हस्त ढलाई के अंदर, दूसरी होती है आपकी कैसी, मशीन मोल्डिंग, ठीक है। तो ये दो मोल्डिंग आते हैं, हैंड मोल्डिंग, दूसरी आपकी मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में हम पढ़ते हैं ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग जब हम क्या करते हैं, ग्राउंड में ही जो ढलाई करते हैं ब्रिक की। टेबल, इसमें हम टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल में ब्रिक की ढलाई करने के लिए कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पैलेट बॉक्स होता है, ठीक है, पैलेट बॉक्स हो गया, दूसरा आपका मॉल्ड हो गया, तो उन सब चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ब्रिक की ढलाई करते हैं, ठीक है। इसमें है पैलेट बॉक्स, तो पैलेट बॉक्स का यूज़ किया क्यों जाता है, आंसर बताओ ज़रा कोई, पैलेट बॉक्स का यूज़ किया क्यों जाता है, कोई आंसर बता रहा है? पैलेट बॉक्स है, पैलेट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स बोलो या बोर्ड बोलो, चलो ठीक है, कोई नहीं बोल रहा। तो जो पैलेट बोर्ड होता है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ब्रिक में जो डिप्रेशन बनाया जाता है ना, वो पैलेट बॉक्स बोर्ड की हेल्प से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ब्रिक में डिप्रेशन बनाने के लिए, डिप्रेशन मतलब वो गड्ढा बनाया जाता है, जिसे हम की भी बोलते हैं, जो की का काम करता है डिप्रेशन बनाने के लिए, ठीक है। हम किसका यूज़ करते हैं, पैलेट बोर्ड का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12, इसे देखते हैं। 12 क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट इन ब्रिक, ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक क्या ब्रिक का दोष नहीं है, कौन है जो एक ब्रिक का दोष नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। नॉट अ डिफेक्ट इन ब्रिक, तो कौन सा नहीं है, वेज कट, अंडरबर्निंग, ओवरबर्निंग या फिर ब्लैक कोर, ठीक है, फ्रॉग बनाने के लिए, हाँ सही का, फ्रॉग कहते हैं उसे। चलो इसे बताओ, कौन सा एक ब्रिक का डिफेक्ट नहीं है, देखो दोबारा भरे जाने की डेट तो अभी मुझे भी नहीं पता है, बाकी आपके यूकेपीएससी ने कैलेंडर तो निकाल दिया है कि एग्ज़ाम आपका इस डेट में होगा, ठीक है, तो फॉर्म भी भरे ही जाएंगे जल्दी से। 12 का है ए, ठीक है। अनिल, सिया, ये कौन सा आपका, वेज कट, वेज कट जो है वो क्या है, ब्रिक का डिफेक्ट नहीं है, बाकी आपका अंडर बर्निंग, ओवर बर्निंग एंड ब्लैक कोर, ये आपके क्या है, ब्रिक के डिफेक्ट है, ठीक है। जब ब्रिक क्या हो जाती है, अत्यधिक जल जाती है, ठीक है, अत्यधिक जलने की वजह से जो ब्रिक का आपका शेप होगा वो चेंज हो जाता है, तो चेंज ब्रिक शेप, ठीक है, तो एक डिफेक्ट है वो, ठीक है। अंडर बर्निंग, सॉरी अंडर नहीं, ओवर में आएगा ये अंडर ओवर मिक्स हो गया, ओवर मतलब अत्यधिक वो पक चुकी है, अंडर बर्निंग मतलब ब्रिक जो है वो आपकी क्या, कम पकी है, तो कम पकने की वजह से जो ब्रिक में क्या होंगे, आपके पोर्स, पोर्स प्रेजेंट होंगे, पोर्स की मात्रा बढ़ जाएगी, पोर्स की मात्रा बढ़ने से ब्रिक जो होगा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्रिक अत्यधिक पानी को अवशोषित करेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, फिर वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ने से जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ब्लैक कोर, तो ब्लैक कोर होता है ब्रिक में, अगर हम ब्रिक को तोड़े तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है, काला धब्बा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये होता है किसकी वजह से, अगर क्या प्रेजेंट हो, अगर इंग्रेडिएंट्स में आपके बिटुमिनस या फिर, ठीक है, बिटुमिनस या फिर कार्बन जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है, बिटुमिनस या फिर कार्बन प्रेजेंट हो, उसकी वजह से ब्लैक कोर हमें देखने को मिलता है। और इनका क्या हो, क्या नहीं हुआ हो, पूरी तरीके से इनका ऑक्सीडेशन ना हुआ हो, ऑक्सीडेशन पूर्ण ना होने पर, ठीक है, हमें ब्रिक में ब्लैक कोर देखने को मिलता है। चलो ठीक है, अगला है आपका 13, इस क्वेश्चन को पढ़ो। 13 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड, ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस में हम पग मिल का यूज करते हैं, तो बताओ कौन सी प्रोसेस में पग मिल का यूज किया जाता है, बर्निंग ऑफ ब्रिक में, या फिर ड्राइंग ऑफ ब्रिक, मोल्डिंग ऑफ क्ले, या फिर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो पग मिल, पहले तो पग मिल होता क्या है, ठीक है, तो पग मिल भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक में ही हम इसका यूज करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर क्या लग जाता है आपका, किसी ने आंसर दिया 13 का सी, नहीं, पग मिल में हम मोल्डिंग नहीं करते हैं,
ठीक है, मॉल्डिंग करने के लिए हम मॉल्ड का यूज करते थे, जो मैंने अभी बताया था ना, हैंड मॉल्डिंग, मशीन मॉल्डिंग, वो मॉल्डिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले को, क्ले की तैयारी के लिए ही हम क्या करते हैं, ये पग मिल का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन जब हम क्ले की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तो कई सारे स्टेज आते हैं ना, तो उसमें से एक है आपका पग मिल। पग मिल में किस कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, नीडिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। नीडिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, गुथाई बोलते हैं ना, जो ब्रिक होता है आपका, ब्रिक अर्थ, नीडिंग में इसमें हम पग मिल में क्या डालते हैं, ब्रिक अर्थ प्लस वाटर को ऐड करके हम क्या करते हैं, इसकी मिट्टी की गुथाई करते हैं, ठीक है, पग मिल में। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में ही पग मिल का एक क्या है, स्टेज आता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ ब्रिक, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, जिसके लिए हम भट्टियों का यूज करते हैं। ड्राइंग ऑफ ब्रिक, इसमें ब्रिक को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम ब्रिक को सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, 4 से 5 दिन के लिए। फिर मॉल्डिंग के लिए हम मॉल्ड का यूज करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, हैंड मॉल्डिंग या फिर मशीन मॉल्डिंग। तो इसका आंसर आपका डी है। अगला आपका 14, इसे पढ़ो। 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स, ठीक है। तो वो कौन सा मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ब्रिक में फ्रॉग को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फ्रॉग वही जो डिप्रेशन बनता है ब्रिक में, जो गड्ढा बनता है, उसी को ही हम फ्रॉग बोलते हैं। तो क्यों बनाया जाता है, इसका आंसर दो जरा। क्या प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नेम, या फिर फॉर्म कीड ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार, इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन, या रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक। तो किस चीज़ के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 14 का बी, अनिल, खुशी, रमेश, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है ब्रिक फ्रॉग बनाने का, वो क्या है, फॉर्म की ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार। ब्रिक और मोर्टार के बीच में क्या होता है, एक जोड़ बनता है, ठीक है, एक की का काम करता है वो, इसीलिए हम उसमें क्या बनाते हैं, फ्रॉग को बनाते हैं। दूसरा, इसमें मैन्युफैक्चर, ठीक है, हम जिस कंपनी वो ब्रिक को बना रही है, वो अपना प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है, तो एडवर्टाइज भी बोल सकते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जो कंपनी उस ब्रिक को बनाती है, वो उस पर अपना नाम भी छाप देती है ना, कि ये RCC ने बनाया, या फिर क्या क्या नाम रहते हैं, मुझे तो नाम याद नहीं अभी, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है, वो आपका क्या है, की का काम करता है ये। यहाँ पे था भी प्रिंट मैन्युफैक्चरर्स नेम, तो ये इसका मुख्य काम नहीं है, ये तो एक है कि जब की वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पे अपना कंपनी का नाम भी छाप दो, थोड़ा प्रचार हो जाएगा कि इस कंपनी ने बनाया, ठीक है। चलो 15, इसे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलुमिना इन द ब्रिक अर्थ, ठीक है। तो ब्रिक अर्थ में, जो ब्रिक की अर्थ होती है, उस वो क्या होती है, कई सारी इंग्रेडिएंट से मिलके बनी होती है, उसमें से एक है आपका क्या, एलुमिना। तो एलुमिना का मेन काम क्या है कि ब्रिक में, तो ब्रिक अर्थ में इसका मेन काम पूछा गया है, मुख्य काम क्या है, ठीक है। तो बताओ जरा इसका आंसर, मेन काम क्या होगा, मेंटेन प्लास्टिसिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, हाँ, क्लास तो ऑफलाइन भी चलती है, ठीक है, क्लासेस आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल रहती हैं। तो बताइए जरा 15 का आंसर क्या होगा आपका, ए, ठीक है, रमेश, अनिल, खुश, ठीक है, आपका सही है आंसर, जो क्या है, एलुमिना है। एलुमिना का मेन काम क्या है आपका, मेंटेन प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को क्या करता है ये, मेंटेन करता है। हम अगर देखें तो जो आपकी क्या है, ब्रिक है, वो कितने इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक था याद करने का, सलीम करके, ठीक है, जिसमें एस क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सिलिका, ए, एलुमिना, ठीक है, एल, लाइम, आई, आयरन ऑक्साइड, और एम, मैग्नीशिया, ठीक है। तो इन चीज़ों से मिलके हमारा क्या बनता है, ब्रिक बनता है, ठीक है। दूसरी में से एक एलुमिना था, सिलिका था, इसका जो मेन काम हम देखें तो, वैसे तो काम बहुत सारे हैं, बट एक देखते तो स्ट्रेंथ, ठीक है, सिलिका जो है वो स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल है, एलुमिना आपकी प्लास्टिसिटी के लिए है, ठीक है। लाइम, लाइम क्या काम करता है ये, लाइम एक फ्लक्स का काम भी करता है, ठीक है, गालक का काम भी करता है, ठीक है, बाकी इसके और भी काम है। आयरन ऑक्साइड, इसका काम क्या है, मेनली कलर, तो कलर देख लेते हैं। दूसरा आपका मैग्नीशिया, ये भी ब्रिक में क्या करता है, एक येलो कलर प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, श्रिंकेज को भी कम करता है, ठीक है। तो मेन मैं आपको ये बता रही थी कि जो ब्रिक है आपकी कितने
इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, ठीक है सलीम? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। 16, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक्स कॉज्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स इज नोन एज, ठीक है, डिफॉर्मेशन पूछ रहा है ये किसका, कि अगर ब्रिक का जो शेप है वो चेंज हो रहा है किसकी वजह से, अगर रेन वाटर फॉलिंग हो रही है किसमें, गर्म ब्रिक में, ठीक है, शेप ब्रिक के शेप में फर्क पड़ रहा है किसकी वजह से, जब बारिश का पानी गिरता है हॉट ब्रिक में, गर्म ब्रिक में बारिश के पानी के गिरने से ब्रिक में क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम मतलब बोलते क्या है, शेप चेंज होने पे उस चीज़ को कहा क्या जाता है, उस डिफॉर्मेशन को उसका नाम क्या होगा, ठीक है, 16 का बी, चप्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं, ठीक है, जब हमारी क्या होगी, हमने अभी ब्रिक को भट्टी से निकाला था और उसको ठंडे करने के लिए रखा था और अचानक से बारिश हुई और बारिश के छींटे पड़ने से उसमें क्या हो गए थे उसके शेप में डिफॉर्मेशन आए, ठीक है, चेंजेस आए थे, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं, ठीक है, चप्स बोलते हैं। अगला आपका ये ब्लिस्टर, तो ब्लिस्टर हमें ये ब्रिक में देखने को मिलता है कब, जब हम क्या कर रहे हो, सीवर पाइप, ठीक है, सीवर पाइप को बिछा रहे हो या फिर टाइल ड्रेन की ढलाई के टाइम पे, ठीक है, जब हम सीवर पाइप को बिछा रहे हैं या टाइल ड्रेन की ढलाई कर रहे हैं तो की ढलाई में क्या हो जाती है, एयर फंस जाती है, ठीक है, एयर फंस जाती है, उसकी वजह से हमें ब्रिक में क्या ब्लिस्टर देखने को मिल सकता है, ठीक है, सीयर क्रैक्स, ये तो हम इसका टॉपिक ही अलग है, ठीक है। अगला आपका एफ्लोरेसेंस, तो एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जब हमें ब्रिक में क्या देखने को मिलता है, आपकी ब्रिक में वो सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे देखने को मिलते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमें जो ब्रिक होती है, ब्रिक के जो नीचे होती क्या सॉइल होती है, ठीक है, सॉइल में क्या होते हैं आपके, सॉल्ट होते हैं, तो जब मॉइस्चर क्या होता है और जो पानी है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो जब क्या है, ब्रिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद पानी तो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और साथ में वहाँ पे क्या छोड़ देता है, सॉल्ट छोड़ देता है, ठीक है, तो जब वो बहुत सारा सॉल्ट इकट्ठा होता है तो वो हमें सफ़ेद धब्बे की तरह दिखता है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है, तो ये होता किसकी वजह से है, मॉइस्चर की वजह से होता है, और मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। 16 का चलो दूसरा, एफ्लोरोसेंस आपने देखा भी होगा, ठीक है, वो ब्रिक में सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे नज़र आते हैं ना, वो सफ़ेद सफ़ेद सी ब्रिक नज़र आती है, उसी को हम एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। 17 वाला क्वेश्चन पढ़ो, विच कॉन्स्टिमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक टू गिव येल्लो इन टू ब्रिक्स एंड डिक्रीज श्रिंकेज। चलो मैंने ये आपको अभी बता भी दिया है, तो इसको आप बता दो कि कौन सी स्मॉल क्वांटिटी मिलाने से जो क्या है, श्रिंकेज कम होता है, और ब्रिक में कि कौन सा कलर देखने को मिलता है, येल्लो कलर देखने को मिलता है, तो बताओ जरा किस चीज़ की क्वांटिटी होगी वो, 17 का सी, ठीक है, मैग्नीशिया, ठीक है, तो मैग्नीशिया की बहुत कम मात्रा, और कितनी कम मात्रा, less than 1, ठीक है, जो मात्रा होनी चाहिए मैग्नीशिया की वो कितनी होनी चाहिए, 1% से कम होनी चाहिए, ठीक है, तो इतनी मात्रा होने पे जो ब्रिक है वो आपकी क्या होगी, गुड ब्रिक होगी, तो वो आपका सही आंसर क्या है फिर, आपका मैग्नीशिया है। चलो अगला 18 क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन वैसे सही तो दिख रहा है ना, इनको छोटा बड़ा ऐसा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, कुछ होगा तो मुझे बताना। चलो 18 क्वेश्चन आपका, मैच द ग्रेड ऑफ ब्रिक्स विद इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS, दे रखा आपको 10, 77 या 1992, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एज पर द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैच करनी है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, आपको इसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैच करना है, अब तो होगा भी नहीं है, ठीक है, चलो बताओ फिर, ये ज़्यादा छोटा तो नज़र नहीं आ रहा ना, ये पिक्चर क्लियर तो आ रही है आपको, दिख तो रहा है ना, एटीन का सी, अच्छा फर्स्ट, चलो देखते हैं, नहीं दिख रहा है तो मैं सिर्फ इसी को जूम करती हूँ फिर, तो ये इधर को नहीं जाएगा क्या, ठीक है,
चलो बताओ, वैसे तो एक ने आंसर दे दिया है, टीन का सी। आपने क्या आंसर रटे हैं? अभी तो दिख रहा होगा। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो चलो बताओ फिर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैच करनी है। दो कॉलम हमें दे रखे हैं, एक में एक ग्रेड दे रखा है, दूसरे में एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखी है। ठीक है, तो बताओ जरा कि नॉट लेस देन 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसकी स्ट्रेंथ होगी आपकी? ए का क्या होगा? ठीक है कि 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से की स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, तो किसकी है? ये होगा आपका किसका? ग्रेड ए ए का। ठीक है, जिससे जिसका जो दूसरा नाम है, मैं आपको टाइप्स ऑफ ब्रिक बता रही थी ना, इसका ही दूसरा नाम क्या है? झामा। झामा ब्रिक बोलते हैं इसको, या इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर बर्न ब्रिक। ओवर बर्न ब्रिक, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका आंसर सी सही है। अगला आपका नॉट लेस देन 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसकी स्ट्रेंथ होगी? ये आपकी ग्रेड ए की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो नाम कोई भी आ सकते हैं, आपको नाम याद रखने की इसके, क्योंकि कई सारे नाम होते हैं। ठीक है, अगला आपका नॉट लेस देन 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसका होगा? आपका थर्ड का ही होगा। ठीक है, ग्रेड बी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक। ठीक है, फिर अगला नॉट लेस देन 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो क्या होगा? ग्रेड सी। ठीक है, सेकंड के बाद ये आपका थर्ड है, थर्ड क्लास ब्रिक। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या? अंडर बर्नड, अंडर बर्नड ब्रिक। ठीक है, तो ये इसके नाम है, तो आपको नाम भी याद रखने। ठीक है, फर्स्ट का 105। ठीक है, फिर आपके आंसर सही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना जिसको नोट करना हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया? अरे मैंने जूम किया था, वो किधर गया? ठीक है, चलो 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ, तो जो हॉलो ब्रिक होती हैं कि इनका यूज हम किस चीज के लिए करते हैं? मेनली इसका काम क्या आपका? हॉलो ब्रिक का रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, या ग्रीसिंग द हियरिंग एरिया, या फिर ऑर्नामेंटल लुक। तो बताओ इसका काम क्या होगा आपका? हॉलो ब्रिक का, हॉलो ब्रिक का आपका जनरली काम क्या होगा? 19 का बी। ठीक है, क्या है इसका मेन काम? प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ठीक है, तो ये कैसा होता है? ताप के प्रति क्या होता है? ये प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो किसका काम है ये? हॉलो ब्रिक का काम है। तो जो हॉलो ब्रिक होती है आपकी, कैसी होती है ये? लाइट वेटेड ब्रिक होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका हॉलो ब्रिक यूज करने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन का डेड लोड होता है वो क्या होता है? डेड लोड रिड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि हॉलो ब्रिक का जो वेट होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। दूसरा, इसका काम क्या है कि प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। और हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? पार्टीशन ब्रिक वॉल के लिए भी कर सकते हैं। तो लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे पार्टीशन ब्रिक वॉल। ठीक है, होलो ब्रिक का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 20 वाला क्वेश्चन पढ़ो कि स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज, कि जो स्टोन के टुकड़े होते हैं या फिर जो ब्रिक के कैसे होते हैं? टुकड़े होते हैं, उनका नाम क्या होता है? कि उनको हम क्या, किस नाम से जान सकते हैं? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो छोटे हैं, बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भूल जाते हैं कई बारी। तो बताओ जरा, स्टोन चिप्स जो क्या होंगे? पत्थर के टुकड़े होंगे या फिर ब्रिक के टुकड़े होंगे, उसका नाम पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या नाम होगा? स्क्रैप, वेस्ट, डस्ट, या फिर स्पेल। 20 का डी। ठीक है, सिया, अनिल, रमेश, खुश, सही आपका आंसर स्पेल। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेल बोलते हैं, जो भी स्टोन के टुकड़े होंगे या फिर ब्रिक के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है ये।
इसको स्पेल कहा जाता है। अगला आपका 21, तो 21 देखते हैं। 21 है आपका ब्रिक्स आर बर्नड एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, ठीक है, तो जो ब्रिक को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसका टेम्परेचर पूछा गया कि कौन से तापमान पे हम ईंट को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो कौन से तापमान पे जलाते हैं हम ईंट को, बताओ जरा कौन से तापमान पे ईंट को जलाया जाता है। 20 का डी, डी ठीक है, तो सी वाले सही हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम ब्रिक का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो 21 का सी होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। 1200 से 1500 नहीं है आपका, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 22 है, एक्सेस ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक्स डिके, कि किसकी मात्रा अधिक होने पे वो क्या होता है, ब्रिक डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सी मात्रा होगी, मैग्नीशिया, एलुमिना, लाइम या फिर सिलिका, तो बताओ किसकी अधिकता होने पे क्या होगा, ब्रिक डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो, ठीक है। चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा, 22 का आंसर दो। किसी का क्या आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, ठीक है। तो ब्रिक डिके के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या आपका, मैग्नीशिया है। मैग्नीशिया की अगर अधिकता होगी तो किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ब्रिक डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। किसी ने वैसे ए आंसर नहीं दिया, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिक डिके की, ब्रिक का क्या होता है, छह हो रहा है, तो किसकी वजह से, मैग्नीशिया, इसलिए बोल रहे हैं ना कि मैग्नीशिया की जो मात्रा है वो हमेशा लेस देन 1% होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 1% ही होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लाइम, लाइम की अधिकता होने से सही है, ठीक है, साउंडनेस आती है, और सिलिका की अधिकता होने से क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है, और एलुमिना की अधिकता होने से क्या होगा, चलो 23 पढ़ेंगे। बॉक्साइट ब्रिक्स आर, तो जो बॉक्साइट ब्रिक्स हैं इसका नाम पूछा गया कि बॉक्साइट ब्रिक को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी फायर ब्रिक, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, या फिर एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, या न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो बताओ जरा बॉक्साइट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो बताओ बॉक्साइट, बॉक्साइट का दूसरा नाम पूछा गया है कि बॉक्साइट ब्रिक्स आर, तो बॉक्साइट ईंटें होती हैं, कौन सी ईंटें होती हैं कि बॉक्साइट ब्रिक, बी, ठीक है। तो जो आंसर बी दे रहे हैं उसका, उनका आंसर क्या आपका सही है। तो जो बॉक्साइट ब्रिक्स होती है वो कैसी होती है आपकी, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है, ठीक है। इसमें ब्रिक को क्लासिफाइड किया गया है किसकी वजह से, केमिकल, केमिकल कंपोजिशन की वजह से, या केमिकल कंपोजिशन की जगह मैं क्या बोलूंगी, केमिकल रिएक्शन बोलूंगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या किया गया, यहाँ पे ब्रिक को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे बेसिक, एसिड और न्यूट्रल, ये तीन टाइप्स में ही हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो जो बॉक्साइड होगी वो हम किस में पढ़ते हैं, आपकी बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक में, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है इनका यूज हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो नॉट यूज्ड, तो कहाँ, जहाँ क्या हो, एसिड प्रेजेंट हो, ठीक है, जहाँ एसिड मेल्ट कराया जाता हो वहाँ हम इसका यूज नहीं कर सकते, किनका, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। सेम फिर एसिड रिफ्रैक्टरी, इनका यूज भी हम कहाँ नहीं कर सकते, जहाँ पे क्या होता हो, बेसिक को मेल्ट कराया जाता हो, तो वहां हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, आपकी एसिड
रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ठीक है। तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक का एग्जाम्पल लिख लो, ये आपका फायर क्ले, ठीक है। जो फायर क्ले है वो किसके अंदर पढ़ते हैं, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। और बाकी बेसिक का क्या आपका बॉक्साइड है, और अगला आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में क्या होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, इसका यूज़ हम एसिड वाली फैक्ट्री में भी कर सकते हैं और बेसिक वाली फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो न्यूट्रल का, ठीक है। इसका है आपका न्यूट्रल का एग्जाम्पल है, ये है क्रोमाइट ब्रिक, ब्रिक का नाम है, ठीक है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक का नाम है क्रोमाइट ब्रिक। रीजन रीजन बोले तो कि बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का की यूज क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वहां यूज करने से क्या करेंगी, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसका यूज नहीं करते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो क्या होंगी, बेसिक रिफ्रैक्टरी वाली ब्रिक्स होंगी, अगर हम उसको कहाँ यूज करेंगे, जहाँ क्या हो एसिड को मेल्ट कराया जाता हो, तो वहाँ वो उस तरीके से अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगी, मतलब जल्दी से खराब हो जाएंगी, उस वातावरण के लिए वो सही नहीं होती है, इस वजह से हम उसका यूज नहीं करते हैं। बेसिक में एसिड वाला और एसिड में बेसिक वाला, हाँ दोनों उल्टा है, ठीक है, कि जहाँ बेसिक बेसिक मेल्ट हो रहा हो वहाँ पे हम एसिड वाली ब्रिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पे एसिड मेल्ट हो रहा हो वहाँ पे हम बेसिक वाली ब्रिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल ब्रिक होती हैं उनको हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगी, न्यूट्रल कर देंगे तब भी नहीं करेंगे क्या यूज़, नहीं न्यूट्रल अगर हम उसका यूज़ करते हैं, तो न्यूट्रल को अगर हम यूज़ करते तो वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा ना, तो वो जब कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा तो उनको हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो 24 का आंसर दो आप, 24 आपका द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन अ गुड ब्रिक क्ले सुड मे फॉर्म। तो किसका परसेंटेज पूछा गया आपको, एलुमिना का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, गुड ब्रिक के लिए एलुमिना का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आपका, ठीक है, 24 का ए, कम से कम कितना 20 से 30%। साथ ही साथ आप मुझे इनका बता दो फिर, ठीक है, एलुमिना का तो पता ही है आपको, औरों का बता दो, ठीक है, आप कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास भी चलेगी ना। तो 25 लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दे दूं कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, अगर सिलिका की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ब्रिक में क्या फर्क पड़ता है, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, या फिर चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येल्लो, या फिर क्या इंप्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक, या फिर मेक्स द ब्रिक क्रैक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग। तो फिर अगर सिलिका की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, एक जितना उसका हमने परसेंटेज डिसाइड कर रखा है उससे अधिक हो जाती है, तो फिर ब्रिक में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, 25 का ई, ठीक है, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है, सिलिका की मात्रा अधिक होने पे क्या होता है, जो ब्रिक है वो कैसी हो जाती है आपकी, ब्रिटल हो जाती है और वीक हो जाती है, स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, इसकी मात्रा बढ़ाने पे स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, और जहाँ पे प्लास्टिसिटी कम हो रही है वहाँ पे आपकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ए, 25 का ए, ठीक है। तो ये क्लास आपकी डेली ही चलती है, तो ये लास्ट है आपके 25 क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। परसों मेरे से किसी ने वो क्वेश्चन पूछा था कि वाटर बॉन्ड पेबल्स वाला, ठीक है, तो उसका वो सही आंसर ए ही था, ठीक है, सिलिका 50 से 60, एलुमिना 20 से 30, लाइम लेस देन 5, ठीक है, 4 to 5 बोल सकते हो आप। तो एलुमिना कितना होता है आपका, एलुमिना होता है आपका 5 to 6, और लास्ट था आपका मैग्नीशिया, मैग्नीशिया कितना होता है, 1 से कम। टेलीग्राम नाम, ठीक है, हम आपको ये मेंशन कर देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो, ठीक है। तो फिर आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास कल होगी, और ये टेस्ट की जो सीरीज़ है आपकी डेली ही चल रही है, ठीक है, फिर।